भाइयों और बहनों, खिलाड़ियों और किसानों के साथ साथ हमारे जवानों का सम्मान और कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। मुझे याद है कि साल 2013 में जब मैं रेवाड़ी आया था तो यहां पूर्व सैनिकों से वन रैंक वन पेंशन लागू करने का मैंने वादा किया था। तब तो मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, लोकसभा का चुनाव बाकी था। रेवाड़ी में मेरी पहली जनसभा यहां के फौजियों ने ऑर्गेनाइज की थी और सरकार बनते ही इस वादे को पूरा कर दिया और देश भर के करीब 19 लाख पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिल चुका है। सिर्फ हरियाणा में ही लगभग 2 लाख सैनिक परिवारों को इसके चलते 900 करोड़ रुपया उनके बैंक खातों में जमा हो चुके हैं। साथियों, सैनिकों के प्रति, शहीदों के प्रति भाजपा सरकार की ये प्रतिबद्धता अटल है। इस बार सरकार बनते ही पहला निर्णय शहीदों के परिवार के हित में लिया गया। शहीद सैनिकों के बच्चों की स्कॉलरशिप भी बढ़ाई गई और इसके दायरे में पुलिस को भी लाया, केंद्रीय बलों को भी लाया। ऐसे सुरक्षा से जुड़े हर किसी के बच्चों के लिए भी ये सुविधा देना हमने निर्णय कर लिया। इसके अलावा जो जवान अभी राष्ट्ररक्षा में तैनात है उनके लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए सियाचिन भत्ता अब दोगुना कर दिया गया है, काउंटर इमरजेंसी औद्योगिक भत्ता 3 गुना किया गया है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस लगभग 10 से 20 गुना बढ़ाया गया है, सीआरपीएफ कर्मियों के कुछ भत्ते भी 2 गुना कर दिए गए हैं।